Hasta pronto. Okay. Good morning, sir. ठीक है सर, चलो. चल रहे. मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अच्छा, तो मार्केट में ऐसे तो आज ऑप्शन ट्रेडिंग का क्लास है. ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग ऑप्शन बेसिक्स कवर किए हैं सर. लेटेस्ट में कॉल एंड पुट का एबीसीडी सीखे हैं, है ना. कॉल पुट का एबीसीडी सीखे हैं. अब धीरे धीरे ये कॉल एंड कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस को यूज करने का कुछ मैथमेटिकल टेक्निक है. अब मैथ सुन के ना बहुत लोगों ने थोड़ा डर लग जाता है. तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि डरने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है. मैंने क्या ना, मैथ्स शब्द ऐसे है हमारे सोसाइटी में इस तरह का दे दिया गया. वेरी फ्यू, मैंने अगर 100 में से एक बच्चा ऐसा होगा, नहीं नहीं आई एम वेरी गुड इन मैथ्स. बट ज्यादातर लोग क्या है ना, मैथ्स जैसे कि बेंच के नीचे छुप जाए मैथ्स देख के. इसका सबसे अच्छा पता चलता है जब आप स्कूल में पढ़ते हो. मैथ्स क्लास में कितना बच्चा बहुत ही एनर्जेटिक होता है, हार्डली वो फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ 4-5 बच्चा, बाकी बच्चा लोग चुप बैठता है. एवरेज स्कूल का बात कर रहा हूँ, आम इंडियंस एवरेज स्कूल का बात कर रहा हूँ. मैथ्स क्लास माने थोड़ा चिंता का विषय, हमसे तो नहीं होता है. एक्चुअली हमसे नहीं होता है, नहीं सिखाने वाले लोग नहीं है, ठीक है. ये चीज को मैं ऑब्जर्व किया, जो भी हो चलो कंट्रोवर्शियल नहीं करूंगा. अच्छा, फिलहाल मार्केट को थोड़ा दर्शन कर लेते हैं. मार्केट देख के खराब लग रहा है सर. कल ही बात हो रहा था. प्रथम ने बोला सर लग रहा है 22,500 जाएगा. मैंने स्टार्टिंग में उसका बात थोड़ा सा इग्नोर किया, फिर बाद में मेरे को भी धीरे धीरे लगा, फिर मैं बोला यार 500 चला जाएगा. 550 नियर सपोर्ट जा रहा है, 550 नियर सपोर्ट चल रहा है, ठीक है. तो अगर ये 550 सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिग क्वेश्चन है ना. कि हम लोगों को तो लग रहा था कि मार्केट एकदम तूफान मचाएगा. हाँ, इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है ऑब्वियसली, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ द इन द सेंस हार्डली 2-3 दिन ही बाकी है, ठीक है. मैंने बस तो कल का दिन है ना, टुमारो, ठीक है, टुमारो और मंडे, दो ही दिन तो ट्रेडिंग का है, ठीक है. अब ये 2 दिन में क्या मार्केट 30,500 में चला जाएगा? 30,000 अभी भी ओपन इंटरेस्ट 23,500 में बहुत हाई है. मैंने ऑप्शन मार्केट में ओपन इंटरेस्ट मतलब बेसिकली कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है कॉल ऑप्शन में, उसमें बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट है 23,500 में. हाँ, और पुट में हाईएस्ट चल रहा है आई थिंक 22,500 का मूव थोड़ी दे पाएगा, ठीक है. अगर 23 में ही वापस जाके रुके तो हो सकता है. सर एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में एक प्रॉब्लम हुआ. मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं क्या प्रॉब्लम हुआ है. प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग लास्ट 1-2 हफ्ता से जो देखे सर, ठीक है, जैसे हम लोग बेसिकली कब से बोल रहे हैं मार्केट के बारे में, है ना. अगर कुछ नहीं तो कम से कम 12-13 में से हम लोग बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हैं कि देखो सर अच्छा एंट्री पॉइंट चल रहा है, जो लेना है लो, ऑप्शन करना है ऑप्शन करो, फ्यूचर करना है फ्यूचर करो, स्टॉक में ट्रेड लेना है स्टॉक में ट्रेड लो, है ना. बेसिकली 2 वीक्स बैक से हम लोग बात कर रहे हैं. और यहाँ पर कल के मार्केट में हम लोगों ने देखा, परसों दिन के मार्केट में यस्टरडे क्या देखा सर हम लोगों ने, यस्टरडे नहीं उससे पहले वाला दिन में, कि एक बियरिश इंगल्फिंग बना और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में एक डाउनग्रेडेशन चालू हुआ, ठीक है. स्पेशली दिस एरिया पूरा मोमेंटम को धीरे धीरे नेगेटिव लाइन में चला गया और कैंडल भी वैसा ही हुआ है. देखो ये बियरिश इंगल्फिंग ना होता, ठीक है, ये बियरिश इंगल्फिंग ना होता, या फिर तुम इसको इवनिंग स्टार भी बोल, शूटिंग स्टार नहीं, क्या बोलेंगे इसको, इवनिंग स्टार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है, कैप डाउन नहीं है प्रॉपरली, ठीक है. तो इस एंगल से इंगल्फिंग तो बोल सकते हैं ना, है ना, बियरिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं, ठीक है. हाँ, ये सिंगल में देखो तो स्पिनिंग टॉप है और डबल में देखो तो बियरिश इंगल्फिंग है. तो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप तो बेसिकली किसी स्टॉक को नीचे भी नहीं करता, ऊपर भी नहीं लेके जाता, वो बेसिकली एक साइडवेज मार्केट का
डायरेक्शन बताता है, मतलब बेसिकली हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जैसे कि हम लोग कंफ्यूज है वो भी कंफ्यूज होता है, और उसी कंफ्यूजन में मार्केट एक ऐसे स्पिनिंग टॉप या दोजी टाइप का छोटा सा कैंडल बनाता है, या तो एकदम थीन पेपर की तरह या फिर थोड़ा सा हल्का बॉडी देखने को मिलता है, दिस इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें जब से ये दिन से क्या हुआ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, 27 से 27 में से क्या हुआ, 27 में से क्या हुआ, अगर आप लोग डेली, जैसे कि मैं आपको रोज दिखाता हूँ FII DII डेटा दिखाता हूँ ना सर, हाँ चलो आज भी देख लो FII DII डेटा चेक करो, इससे बहुत कुछ कनेक्टेड है। देखो 5,800 करोड़ का FII का सेल हुआ है, बट 5,233 करोड़ का DII का बाई है, ठीक है, इसलिए अगर दोनों ही सेल करता तो मार्केट क्रैश कर जाता, तो मार्केट क्रैश कर जाता, हाँ, और नीचे आ जाता, 22 तोड़ के नीचे आ जाता, मैंने बेसिकली ब्रेकडाउन दे देता, जैसे पहले हुआ ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ रहा है ना, इलेक्शन रिजल्ट सामने आ रहा है, और इस रिजल्ट के ऊपर एक्चुअली पूरा खेल डिपेंड कर रहा है। ये जो DII है ये कौन है बोले तो, दे आर बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है, हमारे देश का जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो मेनली DII का मेन माने कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी माने LIC वगैरह ये सब। तो ये जो 5,000 करोड़ का आप नेट बाई देख रहे हो DII का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का, दिस इज बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस इज वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट, बट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो तो FII इज नॉट वेरी पॉजिटिव करेंट, FII को अभी इंडियन मार्केट को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो एग्रेसिव कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, क्यों, क्योंकि करेंट गवर्नमेंट जो चल रहा है माने इन सिंपल अगर बोले तो मोदी गवर्नमेंट, लोग वैसे बोलते हैं, ऐसे तो पार्टी का नाम है BJP गवर्नमेंट, लेकिन लोग इतना पॉपुलर हो चुका है कि मोदी गवर्नमेंट ही बोलते हैं। तो करेंटली जो मोदी गवर्नमेंट है, ये मोदी गवर्नमेंट का जो जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बिजनेस को जिस तरह का इम्पैक्ट दे रहा है, या फिर इंडियन इकोनॉमी को जिस एंगल में लेके जाना चाहता है, इसके बारे में इतना दिन तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक ठीक ठाक समझ था। इवन अगर आप लास्ट 4 साल का डेटा चेक करोगे, ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसके ऊपर भी एक डेटा आया, जैसे कि हमारा ये जो NSE का पहले जो निफ्टी जो बनाता था, ये निफ्टी NSE का ही है ना सर, निफ्टी इंडेक्स NSE का है, और BSE जो है वो सेंसेक्स बनाता है, तो NSE का जो निफ्टी बनाने वाला पहले कंपनी था उसका नाम था S&P स्टैंडर्ड एंड पोर, इट्स अ वेरी फेमस रेटिंग एजेंसीज फ्रॉम अमेरिका, इन्होंने इंडियन मार्केट में ग्रोथ को माने जो इंडियन माने इकोनॉमी का ग्रोथ को अभी भी पॉजिटिव रखा है अप्रोक्स 7%, और इनका मानना है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, बट और भी दो कंपनीज है लाइक फीच है, मूडीज बोल के कंपनी है, इनका मानना है कि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव नहीं है, स्टेबल है, मतलब दे आर नॉट नेगेटिव बट दे आर ऑल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन रेटिंग एजेंसी से ये पता लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट करेंटली, बिकॉज कहीं ना कहीं इलेक्शन रिजल्ट्स पे उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फॉरेनर्स की तरफ से, डोमेस्टिक के तरफ से नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन के तरफ से नहीं, मैंने भारत में जो 40-45 म्यूचुअल फंड हाउस है बड़ा बड़ा, इनको नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी कुछ खराब होने वाला है या फिर मोदी नहीं आएगा, ऐसा उनको नहीं लगता, उनको श्योरली लगता है कि मोदी आएगा, बट FII आर नॉट श्योर, बिकॉज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सोच रहा है कि हो सकता है इंडिया ब्लॉक कुछ कर दे, ये जो न्यू पार्टी बना है ना गठबंधन, ठीक है, इंडिया ब्लॉक, ठीक है, जिसके अंदर कांग्रेस और भी करीब 15-16 पार्टी है उसके अंदर, ठीक है, केजरीवाल केजरीवाल ममता दीदी, एक बार घुसता है एक बार निकलता है, एक बार घुसता है एक बार निकलता है, समझ में नहीं आ रहा है जो भी हो, लेकिन फॉरेनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन पॉलिटिकल एनवायरमेंट में क्या होने वाला है, इसलिए ना वो एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना चाहता, और इसलिए जितना इन्वेस्टमेंट लास्ट 2-3 दिन से किया था वो सारा इन्वेस्टमेंट वो निकाल लिया, और पहले तो थोड़ा बहुत लगा रहा था लाइक 50 करोड़ 65 करोड़ ऐसा कर रहा था, अभी निकाला तो देखो कितना निकाला, पूरा 5,800 करोड़ का नेट सेल कर दिया, ऐसे ओवरऑल निकाला है 20,000 करोड़ का सेल किया है स्टॉक, तो ये इम्पैक्ट अभी मार्केट में आ गया है। इसके पीछे और एक रीजन,
यूएस में जो बॉन्ड मिलता है, यूएस बॉन्ड का यील्डिंग पावर बढ़ गया है, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी वोलेटाइल सिचुएशंस में है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क में इलेक्शन रिजल्ट्स। अगर बाई चांस मोदी हार गया तो अब फॉरेनर को क्या पता इंडिया में क्या होने वाला है। नॉर्मली अमेरिकन मार्केट में 5-5 साल छोड़ छोड़ के पार्टी चेंज होता है, बट हमारा देश और अमेरिकन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट इज नॉट सेम। यहाँ पर कभी कभी कोई कोई पार्टी 30 साल तक राज कर लेता है, कभी कभी 13 दिन में गवर्नमेंट गिर जाता है ना, कभी 1 साल सरकार नहीं टिकता, और कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सरकार 30 साल 40 साल फिर से चल सकता है। तो हमारे देश का जो जनता जनार्दन है ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, इसको समझने लायक दिमाग अभी अमेरिकन को नहीं है। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, हम लोग अपने बारे में जितना समझ सकते हैं कई बार वो लोग हमसे ज्यादा बेहतर समझ लेते हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी इंडियन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, और क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो अपना पैसे को क्यों ऐसे एग्रेसिव सिचुएशंस में डालेगा। माने अगर ऐसे टेंशन सिचुएशंस में वो क्यों अपना पैसा को इंडियन मार्केट में देगा, इसलिए वो पैसा निकाला। एंड सेकेंडली और एक जो रीजन है, यूएस ट्रेजरी का जो बॉन्ड यील्डिंग है वो यूएस ने बढ़ा दिया। माने बॉन्ड यील्डिंग माने यूएस गवर्नमेंट का एक बॉन्ड इशू होता है, उस बॉन्ड में जैसे कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और वो काफी सेफ है, जैसे हमारे बॉन्ड भी होता है सर जो 6%, 7%, 8% के आसपास रिटर्न देता है, वैसे यूएस का भी ट्रेजरी का बॉन्ड होता है। तो यूएस ट्रेजरी ने बॉन्ड का रिटर्न का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया है। तो अगर आपको अब फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में अच्छा मतलब एक फिक्स्ड इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा तो आप क्यों वोलेटाइल मार्केट में अपना पैसा बर्बाद करने के लिए सोचोगे। दैट इज अनदर रीजन कि फॉरेन मार्केट से पैसा का फ्लो नेगेटिव हुआ। सर क्या लग रहा है, क्या यह नेगेटिव फ्लो बना रहेगा? नहीं नहीं सर, इनके पास इतना पैसा ही, 5-10 हज़ार करोड़ इनके लिए नॉर्मल बात है। अगर इनको मंडे, ठीक है मंडे से है इनका रुख बदल सकता है, ठीक है सोमवार से इनका जो सोच विचार है ये बदल सकता है। इवन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल शाम से ही माने कल 2-3 बजे से ही आपको कुछ समझ आ सकता है मार्केट को ट्रैक कर। है जाना जाए FIA DIA डेटा অনেক কিছুই চেক করা যায়, এটা তো আমি জাস্ট প্রত্যেক দিনের টা বলছি। এবং তুই যদি FIA DIA এর একটা ডেটা, আপস্টক সে একটা সুন্দর একটা পয়েন্ট থাকে FIA DIA ডেটা, ঠিক আছে জরুরতা তো দেয় বাট আপস্টক সে খুব ভালো দেয় একটা, আমি ওটা দেখি মাঝে মাঝে, ওখানে পুরো FIA DIA এর ডেটা না পুরো একদম ডিটেলস এ থাকে, ঠিক আছে এমনকি শুধু যে এটা তো আমি ক্যাশ ক্যাটাগরিতে দেখাচ্ছি, এটা ক্যাশ সেগমেন্ট, ঠিক আছে जैसे कैश सेगमेंट, इवन ऑप्शन मार्केट में कितना है, फ्यूचर मार्केट में कितना है, वो सारा डेटा भी ये लोग दिखा सकते हैं, ठीक है इससे भी आपको एक आइडिया मिल सकता है कि FIA का मार्केट के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करेंटली इज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट, एंड दैट इज द मेन रीजन कि अभी वो लोग इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लिया है। सर उसका अलग है बताऊंगा आप, हाँ उसका स्टॉक के साथ डायरेक्टली लेना देना नहीं है, एनएसई पे भी मिलता है सर बॉन्ड, ठीक है अच्छा बोल बोल हाँ कैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से कर लो, मैंने म्यूचुअल फंड्स का जो बैलेंस्ड फंड होता है ना उसमें देखना वो लोग बॉन्ड में यूज करते हैं, माने बॉन्ड डिबेंचर में अप्रोक्स 65% इन्वेस्ट करता है और बाकी पैसा इक्विटी में देता है 20-30%, ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। जीरोधा तो देखा जाए, जीरोधा तो देखा जाए, अपस्टॉक्स तो देखा जाए, देखा जाए ठीक है, और माध्यमों घुटते पर ही सर, नाले हमें আরেকটা উপায় আছে ডাইরেক্টলি আরবিআই বন্ডও কেনা যায় আরবিআই সাইট থেকে, ঠিক আছে একদিন দেখিয়ে দেবো। ठीक है सर एक मार्केट ओवरव्यू मिला, तो अभी मेरे को जैसा लग रहा है कि ये 22,500 तक जा सकता है, 550 इसका नियर सपोर्ट बना हुआ है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। मेरे को ये नहीं लगता ये क्रैश करेगा, ऐसा मेरे को किसी एंगल से नहीं लगता है ये एकदम गिर के 22,000 में आ जाएगा, मैंने अपना इसका जो सपोर्ट एरिया है लॉन्ग टर्म लॉन्ग सपोर्ट है उसमें नहीं आएगा, ऐसा मेरे को कहीं पर भी नहीं लग रहा है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल दोपहर से ही इसका जो रुतबा है वो चेंज होगा और वापस 23,000 की तरफ बढ़ने के लिए आगे जाएगा। अगर कल 23,000 तक चला जाता है बाई चांस तो फिर इलेक्शन रिजल्ट के दिन 23,500 टान देगा, मैंने 1,000 पॉइंट का मूव शायद हम लोग ऐसे सोच रहे कि नहीं दे सकता, बट अगर कल कुछ चेंज होता है मार्केट मोमेंटम में, ठीक है अगर FII का सोच कुछ बदलता है, ठीक है
एक्चुअली वो लोग ना अभी पोल रिजल्ट्स का जो कुछ कंपनीज है उनका भी खुद का भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करता है, सर्वे करके रिजल्ट देता है कि बीजेपी कितना सीट ले सकता है। तो कोई कोई सर्वे ना ऐसा भी बोला है कि बीजेपी को 250 भी नहीं मिलेगा। सो दे आर मे बी सर्टेन अनसर्टेनिटीज। ठीक है चलो ठीक है सर, आज क्या पढ़ाओगे? ये सब कुछ समझ में आया रे, सब बुझते पर्चे तो जरा ऑनलाइन आंसर। हाँ सर, ठीक है सर, मैं अभी आपको बस इतना रीजन बताया कि ऐसा क्या रीजन है। ऐसे तो हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, और मजा का बात है ऐसा नहीं कि हम लोग आज फर्स्ट टाइम मार्केट को देखा और बोला कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, इवन कल के मार्केट में भी हम लोगों ने बोला कि मार्केट अभी मानी गिरने का ही मोमेंटम ले चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंगली हम लोगों को समझ में आ गया था जब हम लोग इसका ये वाला कैंडल स्टिक को देखे थे, कि हम लोगों को लग रहा था मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट नीचे मतलब करेक्शन करेगा, हल्का करेक्शन करेगा, बट लगातार 2 दिन से ये गैप डाउन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आ रहा है सर, कल भी गैप डाउन देगा क्या? हाँ क्या करेंगे? इसमें इरेजर पेंसिल वाला ड्रॉ करने बोल रहे हो कुछ? इस तरफ कर लो सर, कितना दिख नहीं रहा था ना उसके सामने में था। ओ अच्छा, ये वाला, अच्छा, हटा दिया ना मैंने। सर आज हम लोग ऑप्शन मार्केट में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड टॉपिक का नाम है सर ऑप्शन ग्रीक। क्या नाम है? ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक डेल्टा। ठीक है, बचपन से डेल्टा गामा थीटा बहुत सुने हो, पर शायद कभी इसका यूज क्या हो सकता है कभी किसी ने आइडिया नहीं किया था, इसका कुछ जिंदगी में काम भी हो सकता है ना। डेल्टा गामा थीटा से ज्यादातर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं फिर भी अगर वो हायर स्टडीज करते हैं उनको समझ में आता है, बट बाकी लोग तो बस डेल्टा गामा थीटा हाँ साइंस में ही रहता है, लेकिन जो लोग साइंस में हायर स्टडीज करते हैं उनको उनको पता चल जाता है। ठीक है, और फाइनेंस में भी जो लोग हायर स्टडीज करते हैं लाइक चार्टर्ड करते हैं या MBA फाइनेंस वगैरह करते हैं या इकोनॉमिक्स लेके कुछ करते हैं उनको भी हाँ। बेसिकली ये हम लोग जो करेंगे करेंगे ना सर, इसमें दो चीजें मिक्स्ड अप है, थोड़ा सा मैथ्स है थोड़ा सा स्टैट्स। ठीक है, मैथ्स मैंने कोई ऐसे कैलकुलेशंस का मैटर नहीं है, इट्स नॉट कैलकुलेशंस प्रॉपरली, बट मैंने कैलकुलेशन मैंने वैसे बहुत फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ऐसा भी चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ो ना, समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज के हाँ, बारे में ना परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। हाँ बोलो सर बोलो। बोल रहे हैं कि इसमें जो डेल्टा गामा थीटा है और जो हाँ साइंस डेल्टा गामा थीटा होता है, दोनों तो अलग अलग होगा ना? नहीं, मतलब अलग अलग नहीं है, बेस सेम है, बेस सेम है। वहां पर साइंस में साइंस जैसा यूज होता है, यहाँ पर हम लोग कॉमर्स में उसका फाइनेंशियल यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव नहीं है, जो होता है वही होगा। मतलब साइंस का डेल्टा गामा थीटा अलग और कॉमर्स का डेल्टा गामा थीटा अलग, ऐसा कुछ भी नहीं। डेल्टा गामा थीटा जो है वो है, बस हम लोग इसका फाइनेंशियल एप्लीकेशन एरिया को जानने का कोशिश करेंगे, और स्टॉक मार्केट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक मानी रोल है सर। ठीक है, ये जो प्रीमियम वैल्यू बढ़ता गिरता है ना, अगर आपका ऑप्शन ग्रीक के अंदर ग्रिप रहेगा तो आप प्रीमियम वैल्यू का बढ़ने के पीछे का वजह या रीजन समझ जाओगे। ठीक है चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, चलो मैं आपको एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया के लिए। एकदम मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ सर, जिनका मैथ्स में लुटिया गुल भी है ना वो भी समझ जाएगा। ठीक है, किसी किसी का होता है ना मैथ्स में लुटिया गुल, तो उनको भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर एक मूवी का एग्जाम्पल दिया है, पीकू। ठीक है चलो, यहाँ पर मूवी के बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे। पीकू मूवी बेसिकली अमिताभ बच्चन और दीपिका पाडुकोण का एक बड़ा फैमिली मूवी है। ठीक है, बाप बेटी का प्यार के ऊपर दिखाया गया, एक बेटी और बाप के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है और कितना खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हो, तो यहाँ पर पीकू मूवी का एग्जाम्पल देखे ऑथर बता रहे सर, आफ्टर वॉचिंग दी मूवी आई वाज कैजुअली पॉन्डरिंग ओवर व्हाट रियली मेड मी लाइक पीकू, वॉज इट ओवरऑल स्टोरी लाइन और अमिताभ बच्चन ब्रिलियंट एक्टिंग और दीपिका पाडुकोण चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस। ठीक है, तो बेसिकली मूवी देख के कोई भी एक मूवी व्यूअर्स सोच रहे कि हमने हमको क्या चीज अच्छा लगा, क्या अमिताभ बच्चन का एक्टिंग अच्छा लगा,
पाडुकन का चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस, ऐसे प्रेजेंस उसका बहुत बेहतर होता है नो डाउट, है ना, काफी हिट भी देता है दीपिका पाडुकन का मूवी। या फिर जिन्होंने डायरेक्टरी किया मूवी को, उनका नाम है सुजीत सरकार बेसिकली, या सिरोकार, बंगाली है, कोलकाता में ही रहता है, मेरे को पता नहीं था, एक दिन उसका इंटरव्यू देख रहा था, ये कोलकाता में, इसका वन ऑफ द फेमस, इसका सबसे फेमस काम मेरे को लगा है जॉन अब्राहम का एक मूवी किया था मद्रास काफे, देखे हो, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स का ऊपर एक मूवी बना था, बहुत अच्छा मूवी था, ये देखना, वो भी सुजीत सिरोकार का है, ब्रिलियंट डायरेक्टर, यानी बहुत दिन बाद मेरे को एक बहुत अच्छा बंगाली डायरेक्टर मिला, इनका मूवी देखना उर्ट है ना, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, हम जब भी मूवी लाए, जो भी हो, पिकू भी अच्छा मूवी था, लेकिन ये फैमिली ड्रामा था। तो क्वेश्चन उठता है, एक अच्छा मूवी देखने के बाद आपके सामने तीन क्वेश्चन आया, मेन एक्टर का एक्टिंग, हीरोइन का एक्टिंग, एज वेल एज डायरेक्टर का डायरेक्टिंग, सपोज इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स दैट मेड मी मूवी एंजॉयबल। तो एक मूवी अच्छा तभी लगता है, हीरो हीरोइन का एक्टिंग अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर का डायरेक्टिंग अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज स्टोरी लाइन भी अच्छा होना चाहिए, ये तीन चार फैक्टर है तभी जाके एक मूवी हिट करता है, ये सर नो, है ना। तो सिमिलरली अगर आपको ये बात समझ में आता है, तो ऑप्शन मार्केट में भी ना कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो ऑप्शन को हिट कराता है, ठीक है, जैसे मार्केट ग्रो करने से ही प्रीमियम ग्रो करेगा, इट्स नॉट ऑलवेज, ठीक है, कभी कभी प्रीमियम में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, मार्केट ग्रो कर रहा है पर फिर भी आप देखोगे कि प्रीमियम आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकता है, वही चीज। सो दिस ऑल्सो मेड मी रियलाइज देयर इज अ रिमार्केबल सिमिलरिटी बिटवीन बॉलीवुड मूवी एंड ऑप्शन ट्रेड, ठीक है, सिमिलर टू अ बॉलीवुड मूवी, फॉर एन ऑप्शन ट्रेड टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट देयर आर सेवरल फोर्सेस, एक ऑप्शन ट्रेड को सक्सेसफुल होने के लिए अलग अलग फोर्स चाहिए, फोर्स बने अलग अलग एंगल से आपको एक फोर्स चाहिए कि जिसके कारण ये ऑप्शन ट्रेडिंग मेरा हिट होगा, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, सो विच नीड टू वर्क इन ऑप्शन ट्रेडर्स फेवर, जो ऑप्शन ट्रेडर के फेवर में काम करेगा, एंड दिस फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ऑप्शन ग्रीक्स, ये जो फोर्स है इसको एक साथ क्या कहा जाता है, इसे एक साथ ऑप्शन ग्रीक कहा जाता है, एंड दिस फोर्स इज इन्फ्लुएंस एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन रियल लाइफ रियल टाइम, और ये जो भी फोर्स काम करता है ये रियल टाइम में काम करता है, रियल टाइम माने जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अभी काम हो रहा है, फिर जैसे कल मार्केट चलेगा फिर काम होगा, हमेशा रियल टाइम में ये काम करता है, और जब भी ये रियल टाइम में काम करेगा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर वो किसी चीज में करता है वो है ऑप्शन प्रीमियम, अफेक्टिंग द प्रीमियम टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, प्रीमियम को इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, जैसे कल से मार्केट मोटा मोटी डाउन जा रहा है, अगर आप ऑप्शन प्रीमियम चेक करो, स्ट्राइक बॉल की चेक करो, ऑप्शन ट्रेडर 22,500, देखो ऑप्शन ट्रेडर को ही पूछते हैं ना, 22,500 कॉल ना पुट, ये 13 जून का है, 6 जून वाला देख लेना, 6 जून वाला, अच्छा ये वाला, हाँ सर पुट है ना, इसीलिए तो उसने बोला मार्केट जब गिरेगा ऐसे सिनारियो में आपको, हाँ मैंने बेसिकली इसीलिए तो मैंने बोला, यहाँ पर कैंडल ऑपोजिट का मैटर नहीं है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, इसलिए बेसिक गड़बड़ हो गया, फिर सर जब हम लोग कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं, ठीक है, और जब पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, यही तो चीज हम लोग नट सेल करके एक दिन पढ़ा है ना, हाँ, कि कॉल ऑप्शंस बाय और पुट ऑप्शंस बाय के बीच में आपका क्या मेंटेलिटी काम करेगा या किस तरह का मार्केट डायरेक्शन में करना चाहिए, सर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, प्रीमियम ज्यादा लगे कम लगे ये मैटर है क्या, या पैसा कमाना मैटर, हाँ उस सेल में ज्यादा लगता है, किसी भी सेल में ज्यादा लगता है, चाहे आप कॉल सेल करो या पुट सेल करो, ठीक है, सेल में क्योंकि रिस्क होता है अनलिमिटेड, इसलिए बाइंग में रिस्क कम है क्योंकि आप प्रीमियम खुद देते हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम, ऑब्वियसली स्पॉट मार्केट को मिमिक्री करता है, स्पॉट मार्केट को मिमिक्री माने वही तो हुआ, ये 22,500 पुट ऑप्शंस में इतना प्रेशर क्यों है, 22,000 पुट ऑप्शंस में प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि पुट ऑप्शंस तभी खरीदा जाता है जब मार्केट गिरता है, ठीक है, मार्केट गिरेगा तो एज एन पुट ऑप्शंस बायर आपको फायदा होगा, एज ए पुट ऑप्शंस बायर आपको फायदा होगा क्योंकि नॉर्मली बुलिश मार्केट में लोग कॉल बाय करते हैं, बुलिश मार्केट में लोग
कॉल बाय करते हैं, मैं सिर्फ बाइंग एंगल से बोल रहा हूँ, यहाँ सेलिंग एंगल में बात नहीं कर रहा हूँ। बुलिश मार्केट में जब मार्केट बुल होता है तब लोग कॉल बाय करेगा, और जब मार्केट नीचे जाएगा, जैसे हम लोग 3 दिन से ट्रैक कर रहे हैं और मार्केट का नीचे का डायरेक्शन हम लोग पता कर चुके थे, ऐसा तो नहीं ना कि मार्केट को नीचे गिरते हुए देखा फिर बोला मार्केट गिरेगा या गिर रहा है, ये तो दिख रहा था। तो ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली लोग पुट ही बाई करेगा। क्यों? क्योंकि पुट बाई करने का बेसिक अजम्पशन क्या है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के प्रति बियरिश है तो आप पुट बाई करो, सिंपल, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। अगर आपका डायरेक्शंस मार्केट के प्रति बियरिश है और अगर सच में वो हो रहा है, जैसे कि लास्ट 3 दिन से हो रहा है, क्लास करते करते हम लोगों के सामने ये चीज लास्ट 3 दिन से हो रहा है, और 3 दिन से FII का पैसा धीरे 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 कम होने लगा, और कल तो गजब बजर एकदम 5,000 करोड़ का वो सेल किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बियरिशनेस का जन्म हुआ। और ये बियरिशनेस में लोगों ने क्या करना चालू कर दिया सर, लोग पुट बाय करना चालू, ऑब्वियसली सेल प्रेशर चालू हुआ। तो ऑप्शन बायर क्या करेगा यहाँ पर, ऑप्शन ट्रेडर क्या करेगा यहाँ पर, ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पर पुट बाइंग है। और अगर तुम कल का कोई भी पुट ऑप्शंस का डेटा देखोगे, ठीक है, ठीक ठाक स्ट्राइक पे सब पुट ऑप्शंस ने गेन दिया, सभी पुट ऑप्शंस ने गेन दिया। तो इधर भी हुआ, देखो कितने में था प्रीमियम, तुमको सेल करने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो मेरे पास है उसी को सेल करना, ऐसा नहीं होता। डोंट वरी, मैं जब टेक्निकल बेसिक स्टार्ट करूंगा ना, ठीक है, जब कैंडल स्टिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, उसमें मैं ये चीज बताऊंगा। बट फिलहाल इतना जान ले कि जो मेरे पास नहीं है मैं उसको सेल भी कर सकता, ठीक है। इवन इसका मैं नॉर्मल एग्जांपल बहुत बार देता हूँ कि जो मेरा नहीं है उसका उसको मैं सेल कर सकता हूँ। ऐसे एक दुकानदार, मैं बहुत बार, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, हर क्लास में हर एक महीने में मेरे को एक इसका जवाब देना ही पड़ता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल कि तू एक दुकानदार है, जैसे मान तेरा घर कहाँ है, श्याम बाजार में, श्याम बाजार में सबसे फेमस क्या मिलता है, मोमो नहीं, कोई प्रोडक्ट का बोल, खाने का चीज, कपड़ा का दुकान, अच्छा है, ठीक है, मान के चलो कपड़ा का, हाँ ठीक है, श्याम बाजार हाथी बगान मिला के ही है, ठीक है, हाथी बगान और श्याम बाजार मिला के ही कपड़ा का मार्केट है। अब श्याम बाजार में मान के तेरा कपड़ा का दुकान है, अब मेरे को मान के एक स्पेशल काइंड ऑफ जींस चाहिए जो तेरे दुकान में मिलता है, मान तेरा जींस का दुकान है, ठीक है, अब वो फटा जींस होता है ना, सलमान खान लोग पहनते हैं, तो मैं भी उसको देख के क्या बोलते हैं उसको, फटा जींस को क्या बोलते हैं, टॉन जींस बोलते हैं, ठीक है, अब मेरे को उतना पता नहीं है, पर इतना पता है फटा जींस है, ठीक है, प्राइस भी ज्यादा होता है, प्राइस भी ज्यादा, ठीक है। अब मान के तेरे पास फटा जींस है, तेरे पास है नहीं, तू किसी होलसेलर से या बड़ा बाजार से लेके आके मेरे को बेचेगा, अब मैं जाके तेरे को ऑर्डर दे दिया, तू मेरा ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट किया फिर, तेरे पास तो है नहीं, तो जो तेरे पास नहीं है तू उसका परचेस ऑर्डर लिया ना, इसका मतलब तू मेरे को सेल कर रहा है ना। अब तू क्या करेगा, मान के जींस का दाम तू मेरे को बोला 2,000, ठीक है, मैं तेरे को बोला देख जो भी है मेरे को बोल दाम अभी बोल, तू उधर जाके देखा जींस का दाम पड़ गया 2,200। लेकिन इसको अगर मैं एक ट्रेडिंग की तरह देखूं तो तेरे को 2,200 में ही खरीदना पड़ेगा और मेरे को 2,000 में सेल करना पड़ेगा, तो 200 का लॉस खाएगा, ठीक है, और मेरे को क्या हो गया, 200 का प्रॉफिट, समझ गया सर, ठीक है। और अगर मान की उल्टा हो गया, जो होना चाहिए था, तू मेरे को सेल करने से पहले, तू सेल करने से पहले तू मेरे को 2,000 में बेचा और तेरे को पता है तेरे खरीदना पड़ेगा 1,800 में, ठीक है, तो 200% का प्रॉफिट तू करेगा, ठीक है। तो तेरे पास था नहीं ना जींस, फिर भी बेचा ना मेरे को, कैसे बेचा, ऐसे वेरी वेरी बेसिक बिजनेस का कॉन्सेप्ट, वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है। इसलिए आगे से और मत पूछना कि सर जो मेरे पास नहीं है क्या मैं सेल कर सकता हूँ, सब पूछता है, सब पूछता है, सभी ने पूछा, ऐसा कोई नहीं है जो इस बात को नहीं पूछा है, ठीक है। इसलिए मैं सबको नॉर्मल बेसिक बिजनेस वाला एग्जांपल ही देता हूँ, मार्केट वाला एग्जांपल में लोग खो जाते हैं, क्या कैसे होगा पता नहीं, जो मेरा नहीं है मैं कैसे, ठीक है, लेकिन जब डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करता हूँ लोग समझ जाते हैं। अच्छा इधर देख सर, लास्ट 4 दिन से पुट ऑप्शंस में इतना प्रेशर चला है कि अल्टीमेटली पुट का प्रीमियम, जब बहुत सारा लोग पुट बाय करना चालू करेगा, जब बहुत ज्यादा लोग पुट बाय करना चालू करेगा तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा कि गिरेगा, आई गया तेरा बात एकदम ही शक्कर तेरे मुंह में
ठीक है। अच्छा, 800 का प्रॉफिट दे गया हुआ है। कितना? 800, 800 प्रॉफिट किया, एक पुट पुट किया था। ये देखो, अच्छा बच्चा है। कौन सा स्ट्राइक क्या लिया था? 22,700 रन नहीं, हाँ पुट किया। हाँ थोड़ा देर और होल्ड करते 250 चला गया था। हम सर 145 में एग्जिट कर गया था, 250 गया था। ठीक है, तो मार्क एक किलो ये देखो ये देखो सर, अब ये 22,500 में भी देखो 200 का प्रीमियम कहाँ तक गया? 361, मैंने ऑलमोस्ट 160 का प्रॉफिट दे दिया है ना। सर। अब एक लॉट में कितना है? 25 इंटू करो, अब कितना प्रीमियम दिया था जब देने के लिए, उसको माइनस करके बाकी जो होगा आपका हो जाएगा है ना। सो पॉइंट इज दैट, दो तो लिए, दो तो माइनस के देखते हैं, प्लस ही गया सी से प्रॉफिट में। चलो अच्छा है, ठीक है। लेकिन सर मैं देखो, धीरे धीरे ना, ए सुनो सुनो, तुम लोग ना बहुत घबरा जाते हो, तुम लोग ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, देखना समझ जाओगे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा सिंपल आपको कौन सा मैंने बताना है सर, कि जब मार्केट गिरेगा या गिरने का बारे में आपको पता लगेगा तो आपको पुट से बाई करना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप पुट बाई करो, और अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप सेलर भी बन सकते हो, जैसे कि कॉल सेल कर सकते हो है ना। लेकिन अगर नहीं है तो सिंपल बाइंग में ही रहो, कॉल बाई करो, पुट बाई करो, ठीक क्योंकि बाइंग में आपका प्रीमियम वैल्यू भी, मैंने जो अमाउंट मार्जिन जो होता है वो कम लगता है ना, बिकॉज बायर का रिस्क कम है, बायर का रिस्क कम है, सेलर का रिस्क ज्यादा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इससे पहले बार बार बात करके आए हैं सर। चलो सर, फिलहाल ग्रीक में फोकस करने का। अब 200 का शेयर 360 का हुआ ना सर, ऐसे बहुत सारा स्ट्राइक चेक कर सकते हैं। तुम कल का जितना भी पुट, इसने इतने 22,700 का पुट लिया था, ठीक है, निफ्टी में। चलो मैं उसका भी देख लेता हूँ, 22,700 निफ्टी, 22,700 कौन सा एक्सपायरी लिया था रे? जून, 6 जून का, जून नहीं चलता, आज की है सर एक्सपायरी, आज का एक्सपायरी लिया था, एक्सपायरी आज के एक्सपायरी, आज एक्सपायरी है, चला गया ये देखो मई का एक्सपायरी, ठीक है, 22,700 पुट। सर ये दो 250 हाई मार्क सर, और वेट ये मोटा मोटी प्रीमियम थोड़ी कल कितना था? 100 का, 100 से नीचे था, 99 समथिंग था है ना सर। कहाँ तक गया देखो, अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है ना, जितना मार्केट गिरेगा, और आज एक्सपायरी है ना, इसलिए एक तो एक्सपायरी है, ऊपर से रेड होना चाहिए। मैंने बेसिकली ये पुट बाई हो रहा है, कॉल तो नहीं ना, कॉल कॉल का कुछ नहीं बचेगा, कॉल तुम चेक करो। देखो कॉल देखो कहाँ चला गया, ये देखो कॉल का हालत है, कॉल कहाँ से कहाँ आ गया, गैप डाउन दिया, 150 का चल रहा था, 100 का चल रहा था, 18 टका में आ गया, ठीक है। ये कॉल बाई में दिखा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये मार्केट का एक बेसिक कैरेक्टर है। अच्छा, ये मार्केट को मिमिक्री कर रहा है तो सर, अगर कल कोई लेगा तो है ना, मानी 6 जून का लेगा तो वो अगर और सीधा मार्केट तो उसका तो फायदा ही होगा ना, कि 6 जून के बाद तो रिजल्ट आएगा तो और अब जैसे मानो आज एक्सपायर हो रहा है, अब धीरे धीरे देखना कि अगर मार्केट का मोमेंटम बदले उसके बाद फिर से कॉल बाइंग की तरफ, क्योंकि जैसे गिर रहा है ना, इसके बाद अब मोमेंटम बनेगा बाइंग की तरफ, तब और हाँ तब धीरे धीरे कुछ मई का खत्म हो जाएगा, जून का स्टार्टिंग होगा कल से, ठीक है। अभी भी ये रेड जोन में है, आज भी गैप गैप डाउन दिया है, ऑलमोस्ट 500, 550 से गिर के 383 में आके रुका, ठीक है। अभी ये जून का एक्सपायरी है, 6 जून का, अब 6 जून का, अब इसमें तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी आता है कल तक या आज मार्केट क्लोज होने तक, ठीक है, तुम इसमें भी ट्रेड ले सकते हो। बाईस हजार 700 भी इट्स ओके, नॉट बैड, बट क्योंकि मार्केट 22,500 550 में आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है समझ में आ रहा है ना सर, कि मार्केट में इस तरह से प्रीमियम का खेल खेलता है, ठीक है। बेसिकली कॉल और पुट का बेसिक कैरेक्टर अगर बार बार भूलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुम भूल गए थे, कैंडल उल्टा होगा तो,
क्योंकि क्योंकि फूट जब भी हम बाई करेंगे, फूट में ज्यादा लोग अभी खरीद रहा है, तो फूट का डिमांड बढ़ रहा है। और फूड का डिमांड बढ़ने का मतलब फूड का प्रीमियम जो चल रहा था 100 का प्रीमियम, ठीक है, 100 का प्रीमियम 300 में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि जब एक ही चीज के पीछे बहुत लोग भागता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो भी दाम रहता है मार्केट, मानो चीजें फेरी थी होता है, तुमको भी चाहिए हमको भी चाहिए, पहले सिर्फ तुमको चाहिए था तो दाम कम ही होगा, अब एक साथ 5 कस्टमर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाम बढ़ेगा। अब ये सब चीज एक्चुअली हम लोग इस डेल्टा वगैरह से समझेंगे सर। तो चलो मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। तो ऑप्शन क्रिक एक फोर्स की तरह है, एंड फोर्स इज इन्फ्लुएंस एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन रियल टाइम अफेक्टिंग द प्रीमियम टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑन अ मिनट बाय मिनट बेसिस, ठीक है, सेकंड बाय सेकंड बेसिस टू मेक मैटर कॉम्प्लिकेटेड। और ये आपको और कॉम्प्लिकेटेड करता है कि मिनट मिनट में क्या माथा खराब हो जाता है। एंड दिस फोर्स इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द प्रीमियम डायरेक्टली बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। सो टू कीप इन परस्पेक्टिव थिंक अबाउट टू बॉलीवुड एक्टर्स। चलो बार बार बॉलीवुड का एग्जाम्पल दे रहा है, मैं भी दे देता हूँ आपको। अगर किसी मूवी में एक साथ आमिर खान और सलमान खान दोनों काम करता है एग्जाम्पल के रूप में, मूवी बॉप्स जो पागल है मूवी के लिए वुड रिकॉग्नाइज देम एज टू इंडिपेंडेंट एक्टिंग फोर्सेस, टू बॉलीवुड एक्टर्स आमिर खान सलमान खान, ठीक है, अगर एक जगह में है तो वो दोनों अलग अलग फोर्स की तरह काम करेगा कि मूवी में एक साथ फोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रेजेंस है, दोनों का अपना अपना करिश्मा, मैंने सलमान खान का एक मैंने फैन बेस है, आमिर खान का एक फैन बेस है, तो ऑब्वियसली दोनों का फोर्स अलग काम करेगा, है ना। इसलिए बोला कि मूवी बॉक्स वुड रिकॉग्नाइज देम एज टू इंडिपेंडेंट एक्टिंग फोर्सेस, सिमिलर टू ऑप्शन क्रिक ऑफ बॉल, मैंने बॉलीवुड में भी यही चीज होता है। सो दे कैन इंडिपेंडेंटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द मूवी एंड दे एक्ट इन थिंक ऑफ द मूवी एज एन ऑप्शन प्रीमियम। यहाँ पर मूवी का एग्जाम्पल मूवी नहीं है, यहाँ पर मूवी बेसिकली एक प्रीमियम की तरह है कि अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो फिर मूवी का दाम बढ़ेगा कि गिरेगा, तो चांसेस है कि बढ़ेगा, लेकिन स्टोरी भी अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे एक मूवी बना था आमिर खान का और अमिताभ बच्चन का, सुपर डुपर फ्लॉप हुआ था। पीकू नहीं, नहीं पीकू, पीकू तो हिट है, पीकू पीके नहीं, पीके हिट था, पीके हिट था। तो आमिर खान तो क्या पीके, हाँ पीके में आमिर बच्चन का था, हाँ, मतलब जहाँ से तुम बात ऐसे नहीं बोल के था, तूफान नहीं, तूफान नहीं, मैंने बेसिकली लुटेरा था वो लोग, वो जहाज लुटता था, देखो नाम ही लोग बोले हैं, समझ रहे सर कैसा हिट दिया है। मूवी में आमिर खान है, मूवी में अमिताभ बच्चन है, फिर भी मूवी नहीं चला, स्टोरी था, डायरेक्टर बेकार था, लेकिन डायरेक्टर भी अच्छा था लेकिन चला नहीं पाया, समझ रहे सर, होता है, मैंने वही फोर्स काम नहीं किया, फोर्स काम नहीं किया, समझ रहे सर। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी समझाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट फोर्स होता है तो एक पहले पॉजिटिव मोमेंटम आता है कि हाँ चलो अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन अगर बाकी चीज भी फेलियर हो जाए तो अगर दो चीज सही है फिर भी वो खराब हो सकता है। जैसे दो एक्टर लिया हमने, सुपर डुपर हीरो लिया, तो हमको लग रहा है मूवी तो हिट होगा, बट अगर डायरेक्टरी स्टोरी ये सब साथ में हेल्प नहीं करता तो फिर आगे का मूवी फ्लॉप होने का चांसेस बढ़ जाता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट मार्केट में भी होता है, मैं आपको अभी अभी मार्केट को कनेक्ट करूंगा तो समझ जाओगे कि कैसे मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज, हाउएवर इफ यू पुट बोथ दिस गाइज इन अ सिंगल फ्लिक, चांसेस आर दे विल ट्राई टू पुल वन अनदर डाउन एंड व्हाइल एट द सेम टाइम पुश देमसेल्फ अप एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू मेक द मूवी सक्सेस। मैंने दोनों ही अगर एक मूवी में एक्टिंग कर रहा है, दोनों ही चाहेगा कि भाई एक्टर बने, दुनिया हमको देखे, जो भी एक्टर एक्टिंग करता है सबको क्या लगता है कि मेरे को देखे, मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही दोनों को अच्छे से कर रहे और मूवी सक्सेसफुल करे। तो डू यू सी दी जगलिंग अराउंड हियर, दिस मे नॉट बी अ परफेक्ट एनालॉजी बट आई होप इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मैंने बेसिकली कितना सारा फोर्स एक मूवी को सक्सेस बनाता है, सिमिलरली कितना सारा फोर्सेस एक प्रीमियम को सक्सेसफुल कराता है। ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन क्रिक एंड द नेचुरल डिमांड सप्लाई सिचुएशंस, ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन क्रिक्स एंड नेचुरल डिमांड सप्लाई सिचुएशंस ऑफ द मार्केट इन्फ्लुएंस ईच अदर। प्रीमियम है, ग्रीक है, ग्रीक के अंदर डेल्टा गामा वगैरह है, एंड नेचुरल डिमांड सप्लाई, जैसे कि फूट ऑप्शंस में भी डिमांड ज्यादा है, क्यों, मार्केट गिरा है लास्ट 2 दिन से, अगर आप तुम देखोगे तो फूट में ज्यादा
ज्यादा डिमांड है, इसलिए ऑटोमेटिकली क्रूड का प्रीमियम कम से ज्यादा की तरफ गया है। तो ये बेसिक मार्केट डिमांड सप्लाई सिचुएशंस भी आपको अंडरस्टैंड करना कि क्यों डिमांड बढ़ रहा है, क्यों डिमांड गिर रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? सच में मेरा आवाज किसी को नहीं आ रहा है? खराश से तो अच्छे रीजॉइन कर, तेरा नेटवर्क इशू होगा, रीजॉइन कर। इग्नोर करो ये लोग, अभी वोट का टाइम है, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं तो तृणमूल का झंडा लेके जा रहे अच्छा देख ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन क्रिक्स एंड नेचुरल डिमांड सप्लाई इन द मार्केट इन्फ्लुएंस इधर तो ऑल दीज फैक्टर्स वर्क एज इंडिपेंडेंट एजेंट्स। प्रीमियम अपने एक इंडिपेंडेंट एजेंट है, क्रिक एक अपना इंडिपेंडेंट है, और नेचुरल डिमांड सप्लाई भी अपना इंडिपेंडेंट है, मैंने सब इंडिपेंडेंट है, पर फिर भी एक दूसरे को इम्पैक्ट भी करता है और कभी कभी एक दूसरे को इम्पैक्ट ना भी कर सकता है। येट दे आर ऑल इंटरवेंट विद वन अनदर एंड फाइनल आउटकम ऑफ द मिक्सचर कैन बी असेस्ड इन द ऑप्शंस प्रीमियम। मतलब ये तीनों का तीनों को मिला के एक केमिस्ट्री बनता है मार्केट। केमिस्ट्री समझते हो ना? जैसे हम लोग केमिस्ट्री वर्ड सिर्फ केमिस्ट्री क्लास में ही यूज नहीं किए, केमिस्ट्री वर्ड हम लोग ऐसे जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप होता है तब भी यूज करते हैं। सर मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी मुंह पढ़ के समझ जाता हूँ कि केमिस्ट्री बोलते हैं उसका दिमाग कहाँ भाग रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है मैं जब एग्जांपल क्रिएट करता हूँ मैं अपने मन में ही बात करता हूँ क्या? मैं क्या सोच के कुछ आता हूँ? अगला को देख के, ठीक है, और सामने वाले को देख के एग्जाम्पल सामने आता है, क्या बोलने से कनेक्ट होगा, क्या बोलने से तुमको देख के तो नहीं आया। ये लोग है ना बदमाश लोग। ठीक है, तो जो भी हो केमिस्ट्री आई होप यू अंडरस्टैंड कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। दो ऑल दीज फैक्टर्स वर्क एज इंडिपेंडेंट एजेंट्स येट दे आर ऑल इंटरवेंट विद वन अनदर। द फाइनल आउटकम ऑफ दिस मिक्सचर कैन बी असेस्ड इन द ऑप्शंस प्रीमियम। फॉर एन ऑप्शन ट्रेडर असेसिंग द वेरिएशन इन प्रीमियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ऑप्शन ट्रेडर को सबसे ज्यादा जिस चीज में फोकस करना चाहिए होता है या सबसे ज्यादा जिसको समझना चाहिए होता है वो ये होता है कि प्रीमियम का वेरिएशन क्यों हो रहा है। एंड ही नीड्स टू डेवलप अ सेंस फॉर हाउ दीज फैक्टर्स प्ले आउट बिफोर सेटिंग अप एन ऑप्शन ट्रेंड। ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा ये डेल्टा गामा इससे भी पीछे पड़ा रहता है कि डेल्टा क्या बता रहा है, गामा क्या बता रहा है। मैं इस चीज को ना जितना सिंपल हो सके मैं उसका उसी सिंपल तरीके से आपको बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप इसका मतलब समझो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप एक्सपर्ट बनोगे। पहले वर्किंग नॉलेज ले लो फिर प्रैक्टिस के साथ एक्सपर्ट बन पाओगे सर। ठीक है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज तरह है ना, ट्राइंगुलर तरह जो है, हाँ ले लो, इसको बोलते हैं डेल्टा। ऐसे इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में डेल्टा वर्ड को नॉर्मली चेंज से रिफ्लेक्ट किया जाता है। किससे? चेंज। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज माने, या फिर इसको मैथ्स में एक टॉपिक होता है डेरिवेटिव, जहां पर प्योर मैथ्स जो लोग पढ़ते हैं उनको ना डीवाई डीएक्स भी पढ़ा जाता है। ठीक है, dy dx, ठीक है, डेरिवेटिव एक चैप्टर होता है, हाँ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, उसमें भी ये सब चीजें बताया जाता है। तो वो डेल्टा बेसिकली उस चेंज को दर्शाता है कि कैसे चेंज आया। आप लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बारे में नहीं सोचना है, माथा मत खराब करो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन पे बात करते हैं। डेल्टा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन माने जैसे निफ्टी, एग्जाम्पल के रूप में निफ्टी, ऐसे कोई भी स्टॉक ले सकते हैं बट एग्जाम्पल के रूप में निफ्टी लिया मैंने। अच्छा, एक और स्टॉक के बारे में मेरे दिमाग में आया, क्या हो गया भाई, मैंने तो क्लिक किया नहीं। आई डोंट नो आप लोगों ने इसको देखा कि नहीं देखा। ठीक है, अदानी का कॉल ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे
आज इसका प्रीमियम गिर गया है, आज तो क्लोजिंग है इसलिए, बट इसका दूसरी बार आता देखिए जून का रेट है ऊपर जून के पहले था ना ये तारीख में मैं 3350 फुट है। ऐसे अदानी का शेयर में कल क्या हुआ ओवरऑल? ओवरऑल ये थम्स अप क्या है ओवरऑल जो सिचुएशन थे ओवरऑल ये थम गया है सर, ठीक है, साइडवेज चल रहा है लास्ट 3-4 दिन से। क्या लगता है आगे बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा, अदानी आगे बढ़ेगा, इसलिए अदानी पे फोकस रखो, ठीक है, क्योंकि कल इसका एक आप लोगों को एक QIP भी बताया था ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, माने बेसिकली ये मार्केट से पैसा रेज कर रहा है 12,000 करोड़ समथिंग। तो अभी क्या स्पॉट में ले, स्पॉट में भी ले सकते हो, और अगर जैसे ही सिचुएशंस मिले कॉल भी बाय कर सकते हो, आज नहीं, ठीक है। चल कितना रहे, 3200 चल रहा है ना, आप ATM में ले सकते हो या ITM में ले सकते हो, तक कॉल के मॉडल चेक कर देखना, 3200 ही ले गया, ठीक है, 3300 ऑब्जर्व करने के लिए बोला, आप ऑब्जर्व करना सर, ठीक है। फिलहाल मैं अभी बाकी चीजों में फोकस नहीं कर रहा हूँ, सुनो आप लोगों को बस टिप्स चाहिए ना, रोज रोज इतना टिप्स नहीं दे सकता मैं, तभी सिखाऊंगा कब, हाँ टिप्स देते देते खत्म हो जाएगा क्लास। डेल्टा गामा वेगा थीटा, ठीक है, स्टॉक रिकमेंड तो मैं करता रहता हूँ, बस आप लोग सीख जाओ, फिर उसके बाद जो करना है करो ना। बेटा है, हाँ बेटा भी है, बट बेटा को बाद में आते हैं, ठीक है, पहले डेल्टा गामा वेगा थीटा, चार पॉइंट यहाँ पर दिया है, बाद में मैं आपको ये भी बताता हूँ, बीटा भी बताता हूँ, ठीक है। ऐसे बीटा तुम लोग एक बार मैं जो लोग फ्यूचर किया था उसको बताया था ना, ठीक है, हाँ फिर से रहेगा, इसमें डीका भी नहीं है, है ना, डीके भी, टाइम डीके भी यहाँ पर नहीं है, उसमें भी बताऊंगा सर, ठीक है। तो पहले डेल्टा, डेल्टा क्या बता रहे, मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। गामा क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा इटसेल्फ, माने डेल्टा कैसे चेंज होगा वो गामा बताता है, डेल्टा का पता कैसे चलता है, ऑप्शन प्रीमियम कैसे चेंज होगा वो डेल्टा बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन डायरेक्शनल मूवमेंट, मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है, मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग जो कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस को देख रहे हैं ना, कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शन मार्केट को मिमिक्री करता है। जैसे अभी आप लोगों को निफ्टी दिखा रहा था, निफ्टी नेगेटिव है तो माने निफ्टी का जो पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस है वो भी क्या है, स्पेशली कॉल, कॉल नेगेटिव है, मार्केट डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए पुट ऑप्शंस ग्रो कर रहा है ना, तो मार्केट को मिमिक्री करेगा ही करेगा। तो मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन, अंडरलाइन माने जैसे हम लोग किसी, हाँ अंडरलाइन माने स्पॉट, वेरी गुड सर, स्पॉट मार्केट को देखते हुए, निफ्टी को देखते हुए निफ्टी का फ्यूचर क्या जाएगा, निफ्टी को देखते हुए निफ्टी का ऑप्शन क्या काम करें, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमेशा स्पॉट को मिमिक करता है, और उस मिमिक्री के वजह से जो चेंजेस होता है वो डेल्टा बता सकता है। सर कैसे, सर वही मैं अगला 10-15 मिनट में आपको बताऊंगा। गामा, सर गामा क्या बताता है, डेल्टा का चेंज को गामा बताता है, डेल्टा कितना चेंज होगा ये गामा बताएगा। सर वेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन चेंज इन वोलेटिलिटी, मार्केट में वोलेटिलिटी कितना है, ये एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। वोलेटिलिटी माने नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मार्केट का बढ़ना गिरने को वोलेटिलिटी कहते हैं, सर ये आधा सच है, मार्केट का बढ़ना गिरना इज अ वोलेटिलिटी, ये एक हाफ ट्रूथ है या हाफ फॉल्स है, ये वोलेटिलिटी बेसिकली एक एवरेज कैलकुलेशन है, उसके ऊपर बेस करके आप किसी भी स्टॉक का, हाँ नहीं सर, इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर शेयर अपने डेली एवरेज माने जिस पॉइंट पे वो चलता है उससे वो कितना डाइवर्ट होता है, माने कितना अबव में जाता है कितना नीचे आता है, अगर आप ये पता कर लो तो आप उसका वोलेटिलिटी का पता कर सकते, ठीक है, बताऊंगा सर वोलेटिलिटी कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। और थीटा क्या चीज मेजर करता है, मेजर द इंपैक्ट ऑन प्रीमियम बेस्ड ऑन द टाइम लेफ्ट टू एक्सपायर, जैसे जितना एक्सपायरी नजदीक आएगा प्रीमियम में उसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, ये थीटा से पता चलता है। जैसे बचपन में आप लोग थीटा ऐसे करते थे ना, कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ
चलो सर, अब चलो ध्यान दो डेल्टा पे, फिलहाल डेल्टा पे ध्यान दो, एक एक करके पढ़ते हैं, हेडेक मत लेना सर, समझ में आएगा कितना गारंटी है। डेल्टा ऑफ एन ऑप्शंस, यहाँ पर एक स्नैपशॉट दिया है, जैसे हम लोग मार्केट ट्रैक करते हैं, ये एनएसई का ऑर्डर बुक बोलते हैं इसको, आजकल देखने में थोड़ा बदल गया है बट डेटा ऐसे ही सब रहता है। यहाँ पर 8250 कॉल ऑप्शंस को दिखा जा रहा है, 8250 सी। द फर्स्ट स्नैपशॉट वाज टेकन इन 9:18 पे, जब ये स्नैपशॉट लिया गया था लाइव मार्केट से तब 9:18 हुआ था। उसके बाद निफ्टी स्पॉट उस टाइम पे चल रहा था 8292, यानी स्पॉट मार्केट चल रहा था 8292 में ओरिजिनल मार्केट में, और कॉल ऑप्शन चल रहा है 8250 में। दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक। ये देखो सर, ऑर्डर बुक के अंदर इंस्ट्रूमेंट टाइप में लिखा रहता है कि कॉल की, मतलब बेसिकली फ्यूचर की ऑप्शंस। फिर सिंबल है, सिंबल आपने क्या लिया, निफ्टी। आप निफ्टी की जगह कोई स्टॉक भी चूज कर सकते हो जिसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग अवेलेबल है, वो दिखा देता है मार्केट। यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिया है 28 मई। अरे क्या, देखो सर कोइंसिडेंस, देखो हम लोग मई महीने में पढ़ रहे हैं और इसका भी डेटा 8 मई का ही था, बस 2015 का था, हम लोग 24 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग बात है सर। चलो हम लोग यहाँ पर एक्चुअली 15 का डेटा थोड़ी ट्रैक कर रहे हैं, हाँ, उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था 8200, ठीक है। अच्छा, तो 28 मई को एक्सपायरी था, चूज क्या किए थे, सीई, सीई माने कॉल ऑप्शंस। स्ट्राइक प्राइस कितना है, 8250। मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा था, 144, लास्ट दिन क्लोज हुआ था 123 पे, और आज मार्केट मोटा मोटी 20 पॉइंट्स में ग्रो किया है, 20.15, 123.85 में लास्ट दिन क्लोज हुआ था, और आज मार्केट जिस दिन ये स्नैपशॉट लिया गया 20 पॉइंट में बढ़ा, जैसे अभी आपको लाइव मार्केट में भी दिखा रहा था प्रीमियम कैसे बढ़ा। सर ये तो कोई भी चेक कर सकता है, ये डेटा आपको कभी भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, स्पेशली एनएसई के साइट में मिल जाएगा, इवन आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है सर, इससे एक ट्रेडर क्या सीखेगा। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अनदर स्नैपशॉट, ये 9:18 में नहीं 10 बजे लिया गया, ठीक है। इसमें उसी प्रीमियम का कॉल ऑप्शंस 8250 स्ट्राइक, जब आपका स्पॉट कितना चल रहा था, थोड़ा बढ़ गया, देखो 8292 था पहले वाला, 9:18 में कितना था, 8292 था, इसमें कितना हो गया, 8315 हो गया, है ना, बढ़ गया प्रीमियम, कहाँ चला गया, देखो फिर से 5% में बढ़ा, 144 था, 149.40 हो गया, वेरी गुड सर, ये तो अच्छा बात है, बढ़ रहा है, हम लोग तो हमेशा ही देखना चाहते हैं, ठीक है। अगेन 9:18 में निफ्टी था 8292 में, प्रीमियम चल रहा था कॉल ऑप्शंस का 144 में, 10 बजे निफ्टी मूव हुआ 8315 में, प्रीमियम भी मूव किया अप्रॉक्स 150 में, इनफैक्ट 10:55 में, मैंने 10:55 में निफ्टी डिक्लाइन हुआ 8288 में, और एक घंटा बाद निफ्टी गिर गया सर 8255 में। प्रीमियम देखो सर 150 में चल रहा था ना, 133 हो गया, लेकिन कोई बोलेगा सर फिर भी ग्रीन क्यों है, वो तो खुला होगा ज्यादा प्राइस, कम प्राइस में, ये जो ग्रीनरी है ये प्रीवियस डे क्लोज के साथ कंपेयर करके बोल रहा है, 123.85 में लास्ट दिन का क्लोज था, माने आज अभी भी प्रीमियम कल के प्राइस से ज्यादा ही है, इसलिए अभी भी ग्रीन है, लेकिन जिस तरह का रेंज में हमको प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट अभी गिर गया, माने इधर 130 से 133 में आ गया। सर इसके पीछे एक चीज तो कॉमन दिख रहा है कि जब जब ऐसा प्रीमियम गिरा है तब तक मार्केट भी गिरा है, मैंने लास्ट 3 स्नैपशॉट से एक चीज तो देखा ना, मार्केट स्टार्ट हुआ था 8292 में, फिर मार्केट मूव होके चला गया था 8315 में, फिर मार्केट नीचे आया 8288। तो जब मार्केट बढ़ा प्रीमियम बढ़ा, जब मार्केट गिरा तो प्रीमियम भी गिरा, इतना तो दिख रहा है। और एक मजा का बात, तब भी लॉट 25 का था, आज भी लॉट 25 का है, बट मजा का बात यही है
बीच में लास्ट 9 साल में लॉट साइज 50 का हो गया, मैंने लास्ट 4-5 साल में तो 50 का हो गया। वही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इट सर, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, टेक्निकल एनालिसिस हमें सिखाता है। ठीक है, पहले भी 25 का लॉट था, वापस 25 में आ गया, बीच में 50 हो गया था। अच्छा, आपने क्या देखा, ऑब्जर्व किया ना सर, कि किस तरह से डिफरेंट टाइम पीरियड में आपको प्रीमियम में एज वेल एज ऑप्शंस बने करंट मार्केट में चेंजेस हो रहा है। आपका स्ट्राइक पॉइंट जहां था वही है, स्ट्राइक तो आप चेंज नहीं कर सकते, जिस पॉइंट में आप ट्रेड लोगे वो चेंज नहीं हो सकता। तो इतना सारा चीज ट्रैक करने के बाद हमें दिमाग में क्या आता है और हमें डेल्टा में क्या पता चले, तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस वन थिंग स्टैंड्स आउट वेरी क्लियर, एज एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ द स्पॉट चेंजेस, जब जब स्पॉट मार्केट का वैल्यू चेंज होता है, सो डज द ऑप्शन प्रीमियम। जो मैंने ऑब्जर्व करवाया आपको, और ये चीज आप ऑब्जर्व करते रहोगे, ठीक है, ये वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया है ऑप्शन प्रीमियम चेंज होने का। मोर प्रिसाइजली, अगर और प्रिसाइजली कहा जाए, एज यू ऑलरेडी नो द कॉल ऑप्शंस प्रीमियम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पॉट वैल्यू एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा माने उल्टा, वाइस वर्सा माने उल्टा, कोई कोई ऐसे होते वाइस वर्सा, ठीक है, मैं बोलता हूँ वाइस वर्सा, पता नहीं एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेरा अंग्रेजी थोड़ा कच्चा है, ठीक है, जितना जानता हूँ, ऑक्सफोर्ड वाला अंग्रेजी मेरे को नहीं पता, ठीक है, जिसको पता है वो जानता है कि क्या चीज में क्या प्रोनाउंस करता है, अगर नहीं पता तो ऑक्सफोर्ड वाले को कॉल करके पूछ लो, जब लो इतना सीख ले बहुत अच्छा है। वाइस वर्सा समझ गए सर, तो वाइस वर्सा माने बेसिकली उल्टा, जैसे यहाँ पर बोला इंक्रीज इन द स्पॉट वैल्यू, माने जैसे नॉर्मल मार्केट बढ़ेगा प्रीमियम भी बढ़ेगा, अगर नॉर्मल मार्केट गिरेगा तो प्रीमियम भी गिरेगा, ये एक नॉर्मल पैरामीटर है सर। अगर कुछ समझ में नहीं आता है इतना समझने से भी चलेगा, माने अभी भी मैंने डेल्टा नहीं सिखाया, ठीक है, अभी भी मैंने आपको डेल्टा गामा थीटा कुछ भी नहीं बोला, इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट कि प्रीमियम कब इंक्रीज करता है और प्रीमियम कब डिक्रीज करता है, मार्केट को मिमिक्री करके ही करता है, ये बेसिक सेंस है, इसको तो दिमाग में प्लीज रखो। कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव, इमेजिन दिस, यू हैव प्रेडिक्टेड दैट निफ्टी विल रीच 8355, कब सोच रहे हो सर, 8250 में जब मार्केट गिर गया था उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि मार्केट 8355 तक जा सकता है, कैसे लग रहा है आपको, आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो अंदाजे में, अरे नहीं सर, मार्केट मोमेंटम, कैंडलस्टिक्स, आरएसआई, टेक्निकल इंडिकेटर से आपको पता लग रहा है कि मार्केट तो यहाँ पर मोमेंट ले रहा है, या फिर अचानक से कुछ खबर आया इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन डोमेस्टिक नेशनल टेरिटरी में कुछ हुआ है जिसमें लग रहा है कि मार्केट में ग्रोथ आने वाला है, जैसे इलेक्शन रिजल्ट के दिन मानो स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा है कि बीजेपी हारेगा तो मार्केट गिरेगा, फिर जैसे जैसे वो सुबह से चालू होता है, सुबह 6-8 बजे चालू होता है, 5 मिनट निकले 12 बजे छुट्टी, छुट्टी छुट्टी मंगलवार छुट्टी, मंगलवार छुट्टी रहेगा उस दिन, पढ़ाई होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं मंगलवार छुट्टी रहेगा, ऐसे आ सकते हो, लेकिन मैं मना इसलिए करूंगा, क्या पता कहाँ रास्ते में क्या हो जाए, ठीक है, पता नहीं सर, तृणमूल का तो बम का लोग है सर, ठीक है, अगर रिजल्ट खराब होगा तो फिर फालतू छोड़ो सर, उस दिन नहीं आना, घर में बैठ के खुला, मार्केट खुला रहे, अच्छा देखो तो कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव, फोकस 8355 में तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ग्रो करेगा, ठीक है, 3 बजे होगा ऐसा तुमको लग रहा है, आप कहाँ थे, 8250 में थे, इस पॉइंट से 8355 में तुम सोच रहे हो, दैट इसका मतलब है कि यू आर बुलिश, तुम बुलिश हो तभी तुम ऐसा सोच रहे हो, फ्रॉम दिस स्नैपशॉट अब वी नो दैट प्रीमियम विल सडनली चेंज, बट बाई हाउ मच, मैंने इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रीमियम बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा, वट इज लाइकली वैल्यू ऑफ 8250 कॉल ऑप्शन, ये जो हम लोग 8250 हम लोग का कौन सा कॉल ऑप्शन चल रहा था, ये जो कॉल ऑप्शन हमने चूज किया कौन सा चूज किया, 8250 है ना, हमारा कॉल ऑप्शन है 8250, ये स्ट्राइक है,
अभी इसकी बेसिस में मेरा प्रॉफिट लॉस सब कुछ डिपेंड करेगा। अब आगे का खेल देखो सर, आगे का खेल देखो, 8,250 कॉल ऑप्शंस में आप सोच रहे हो कि मार्केट मैंने आपका ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन आपको चिंता ये हो रहा है कि प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 3 बजे आते आते प्रीमियम मेरा कितना इंक्रीज हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो मिला ऐसा नहीं, डेल्टा का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो 8355 में अगर मार्केट, अगर 8355 में मार्केट पहुंचता है, ठीक है, तो ऑलरेडी लास्ट प्रीमियम हम लोगों ने देखा था 133 में, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप अंदाजा मत लगाओ सर, इसमें डेल्टा का हेल्प ले सकते हो। सो वेल दिस इज एग्जैक्टली वेयर द डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन कम्स इन, मैंने बेसिकली जब मार्केट ग्रो कर सकता है, जैसे लास्ट प्रीमियम हम लोग देखा था 133 में आके रुका था, लेकिन मेरे को फिर से लग रहा है कि 3 बजे मार्केट फिर से ग्रो करेगा, और ऐसे सिचुएशंस में मेरे को डेल्टा का वैल्यू चाहिए होता है। हाँ, कैलकुलेशन करने में यही डेल्टा आपको सिखाएगा, सिखा रहे सर। द डेल्टा मेजर्स हाउ एन ऑप्शन वैल्यू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द अंडरलाइन। इन सिंपलर टर्म अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन हेल्प अस आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस शॉर्ट, बाय हाउ मेनी पॉइंट्स विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन। अगर मेरा स्पॉट मार्केट में निफ्टी या कोई भी स्टॉक, निफ्टी या फिर कोई स्टॉक जिसमें तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर निफ्टी या स्टॉक में 1 पॉइंट का चेंजेस आता है, बाय हाउ मेनी पॉइंट्स विल द ऑप्शन प्रीमियम चेंज फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन। माने अगर निफ्टी 1 पॉइंट में गिरता है या उठता है, अगर निफ्टी 1 पॉइंट में गिरता है या उठता है, तो प्रीमियम कितना प्रतिशत चेंज होगा। ठीक है सर, ये पता किया जा सकता है, बिल्कुल पता किया जा सकता है। Therefore, option greens delta captures the effect of the directional movement of the market on the option premium. अब कैसे करता है देखो, मार्केट में जब भी डेल्टा चेक करोगे, ऐसे डेल्टा चेक कैसे करते हैं मैं सब दिखाऊंगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन चेन खोलोगे डेल्टा का डिटेल्स आ जाता है, तो वो तो आपको दिखेगा, मिल भी जाएगा बिटवीन 0 and 1 फॉर फॉर ए कॉल ऑप्शन। डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है अगर आप कॉल ऑप्शन चूज करते हो। कोई कोई इसको 0 to 100 स्केल में भी देख सकता है, यानी 0 to 100 का मतलब जो होता है ऑलमोस्ट 0 to 1 का भी मतलब सेम होता है। तो कोई कोई 0 to 100 स्केल में देखता है, तो उसके टाइम पे क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके करेगा, और 0 से 1 के बीच में चलेगा तो पॉइंट से चलेगा, 0.10, 0.20, 0.30 इस तरह से, मैंने 0.5, 0.1, 0.20, 0.30 जब 0 से 1 का बात करो ऐसा चलेगा, और 0 से 100 में चलेगा तो कैसे चलेगा, 0, 5, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 100 तक चलेगा, उसके बाहर नहीं जाता है सर। सर क्यों, वो भी बताया हो जाए। अब यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल, सो द डेल्टा वैल्यू ऑफ 0.55 ऑन 0 to 1 स्केल इज इक्विवेलेंट टू 55 इन 0 to 100 स्केल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0 to 1 का स्केल अगर मैं यूज कर रहा हूँ, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डेल्टा 0.55 है, तो इसका मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर तुमको 55 दिखा रहा है तो मतलब 0.55 है। अब कोई कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म 0 to 100 का स्केल यूज करता है, कोई कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म 0 to 1 का स्केल यूज करता है, बेसिकली परसेंटेज का मैटर है, बाकी कॉन्सेप्ट इज सेम। ठीक है, तो घबराने का जरूरत नहीं है कि सर मैंने तो पढ़ाई करने के टाइम पे पॉइंट पे पढ़ा था, इधर तो 50 लेके रखा है। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं। अच्छा, बिटवीन -1 and 0 अगर ऐसा है स्केल, जैसे कि जब पुट ऑप्शन करोगे तो उसमें -1 and 0 दिखेगा, जब आप डेल्टा का वैल्यू कॉल के लिए चेक करोगे तो वो 0 से 1 दिखेगा, पर जब आप पुट चेक करोगे तो उसमें -1 से 0 दिखेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको -0.4 का डेल्टा वैल्यू दिख रहा है पुट के केस में, इसका मतलब है 0 to 100 स्केल में -40 हो जाएगा, मतलब 0.4 को इंटू 100 करो तुमको -40 मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग ये पॉइंट और 100 का कॉन्सेप्ट को छोड़ो, आप सिंपल इतना याद रखो, आपको 0.55 दिख सकता है, 0.4 दिख सकता है, ज्यादातर केस में पॉइंट में ही दिखाता है, डेल्टा का वैल्यू पॉइंट में ही दिखाता है। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाई द पुट ऑप्शन डेल्टा हैज अ नेगेटिव वैल्यू एसोसिएटेड विद इट, आगे आगे चर्चा करें। ठीक है, ये जो पुट ऑप्शंस में माइनस क्यों लगा दिया सर, कॉल में तो माइनस नहीं लगाया, पुट ऑप्शंस में माइनस क्यों लगा दिया,
ये उतना भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, आपको समझ में आएगा. एट दिस स्टेज आई वांट टू गिव एन ओरिएंटेशन ऑफ हाउ दिस चैप्टर विल शेप अप. प्लीज डू कीप दिस इन ए ब्लैक बैक ऑफ योर माइंड. वी विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी यूज द डेल्टा वैल्यू फॉर कॉल ऑप्शंस. क्विक नोट ऑन हाउ द डेल्टा वैल्यूज आर अराइव्ड एट. अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज द डेल्टा वैल्यू फॉर पुट ऑप्शंस. डेल्टा कैरेक्टरिस्टिक, डेल्टा वर्सेस स्पॉट, डेल्टा एक्सेलरेशन क्या होता है एंड ऑप्शन पोजिशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. ये सब बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अब अगर मैं डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शंस के बारे में आपको थोड़ा आइडिया देके आज का क्लास को ऑफ करूंगा, तो आपको एक आइडिया देके ही छोड़ दो. वी नो द डेल्टा इज नंबर. हम लोग को इतना पता चल गया कि डेल्टा एक नंबर है जो जीरो से वन के बीच में मूव करता है. एज्यूम, मान के चलो, एज्यूम माने मान के चलो, अ कॉल ऑप्शन है डेल्टा ऑफ 0.3. किसी किसी जगह में 30 भी दिखा सकता है. इसका क्या मतलब है आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा. ऐसे बहुत दिखता है, आप कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन का चार्ट ओपन करो, आपको डेल्टा का वैल्यू दिखेगा. ठीक है, सबसे पॉपुलर है सेंसिबल, खोलो सेंसिबल में भी दिखाते हैं. नॉर्मल में नहीं दिखेगा, वो ऑप्शन चेन के अंदर दिखता है. ठीक है, मैं दिखाऊंगा. एज यू नो द डेल्टा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम फॉर एवरी यूनिट चेंज इन द अंडरलाइन. अभी हमने क्या बोला कि अगर मेरा निफ्टी या स्पॉट एक पॉइंट में बदलेगा तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम कितना प्रतिशत बदलेगा, है ना. तो एज वी नो द डेल्टा मेजर, डेल्टा क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम फॉर एवरी यूनिट चेंज इन द अंडरलाइन. सो अ डेल्टा 0.3 इंडिकेट्स फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन द प्रीमियम इज लाइकली चेंज बाई 0.3 यूनिट्स. अगर डेल्टा का वैल्यू दिखा रहा है 0.3, इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी एक पॉइंट में गिरता है तो प्रीमियम का वैल्यू 0.3 में गिरेगा. अगर निफ्टी 1 पॉइंट में बढ़ता है तो प्रीमियम का वैल्यू 0.3 में बढ़ेगा. तो गिरेगा तो 0.7 होगा, बढ़ेगा तो 0.8. फिक्स नहीं है 0.3 डेल्टा का. अभी डेल्टा कैसे निकलेगा वो तो अलग बात है. 0.3 कोई फिक्स डेल्टा, डेल्टा आपको दे देगा, डेल्टा आपको गिवन रहेगा. इवन मैं आपको डेल्टा कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा, ठीक है. लेकिन आपको फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि अगर 0 से 1 के बीच में डेल्टा का वैल्यू 0.3 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 के ऊपर नहीं जाएगा. तो अगर डेल्टा का वैल्यू 0.3 है तो इसका क्या मतलब होता है. सर ऐसा नहीं बोलते. देखो सर एक एग्जांपल दे, 10:55 में आपका निफ्टी कहाँ है, 8288. ठीक है, ये एग्जांपल है. ऑप्शन स्ट्राइक है, 8200 कॉल ऑप्शंस आपने चूज किया, आपने जब ट्रेड लिया, दिस इज योर स्ट्राइक. ठीक है, प्रीमियम चल रहा था 133 में. डेल्टा ऑफ द ऑप्शंस आपको बता रहा है मार्केट पॉजिटिव 0.55, क्योंकि कॉल ऑप्शंस है ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कॉल है पॉजिटिव होगा. अगर पुट होता तो ये माइनस पे दिखाता, ये बाई. ठीक है, मैंने बेसिकली कॉल है, बाई करना है कि सेल करना है ये नहीं पूछा गया. प्रीमियम कितना, कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम कितना चेंज हो सकता है. धोरणी देख चीज ना, ट्रेड है मत ऐसे नहीं. अच्छा निफ्टी फोकस करो सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर. निफ्टी 3:15 में एक्सपेक्टेड टू रीच 8310. आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, 8:00 to 8:00 में आपने लिया था और 3:00 आज ही जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उसी दिन आपको लग रहा है कि अप्रोक्स 8310 तक पहुंचेगा. सो वेल दिस इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट. वी नो दैट डेल्टा ऑफ द ऑप्शन इज 0.55, व्हिच मींस फॉर एवरी 1 पॉइंट चेंज इन द अंडरलाइन ऑफ द प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड टू चेंज बाय 0.55 पॉइंट्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू अंडरलाइन टू चेंज बाय 22 पॉइंट्स. कैसे पता चला, 8310 से 8288 को माइनस, क्योंकि आपने देखा 10:55 में 8:00 to 8:00 में चल रहा है और आपको लग रहा है मार्केट 3:15 में बुलिश होगा, 8310 अप्रोक्स जा सकता है. तो अगर ये 8310 तक जाता है और 8:00 to 8:00 आपका 10:55 में है तो आप कितना मोमेंट का आशा रख रहे हो, 22 पॉइंट. तो अगर मार्केट 22 पॉइंट में मूव करता है तो प्रीमियम कितना इंक्रीज करेगा, 22 × 0.55, इसका मतलब है 12 टका 10 पैसा. ठीक है, आपने जब प्रीमियम ले रहा था उसका दाम कितना था, 3 + 12.10. वेरी गुड सर,
133 में प्रीमियम चल रहा था और 12% में आपका प्रीमियम बढ़ सकता है, तो आपका प्रीमियम वैल्यू जा सकता है 145.1। इसका मतलब कि अगर आपका डेल्टा 0.5 दिखाया था, 0.55 दिखाया था, तो आपका एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि मेरे को 10-12% मिलेगा। 12 तो अप्रोक्स दिख ही रहा है, बाकी और भी चीजें फैक्टर काम करता है, बट ये एक बेसिक अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। जैसे आपको मैंने आज क्या सिखाया कि मार्केट का मोमेंटम से आपको पता चलता है कि प्रीमियम बढ़ेगा कि गिरेगा, डेल्टा से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा। सर ये पता करके फायदा क्या है? सर फायदा है ना सर, आप तो इसी के लिए आ रहे हो मार्केट, कि मैं कितना कमा सकता हूँ, और डेल्टा से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मार्केट कितना मैक्सिमम जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, मैंने प्रीमियम मैक्सिमम कितना हिट कर सकता है बेसिस ऑफ डेल्टा, ठीक है? इसलिए आप हड़बड़ नहीं करोगे। जैसे तुम मेरे को आगे बोला ना सर और थोड़ा वेट कर सकते थे, समझ रहे? अगर डेल्टा रीड करना आता तो शायद थोड़ा सा तुमको पेशेंस मिल जाएगा, है ना? अगर तुमको डेल्टा रीड करना आ जाएगा तो तुम प्रीमियम जब बढ़ेगा ना तुमको टेंशन नहीं होगा, एटलीस्ट डेल्टा तक तो तुम वेट कर ही सकते। उसके बाद अगर मार्केट फिर भी कभी कभी एग्जैक्टली काम नहीं करता है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट डेल्टा तक तो वेट कर सकते हो। सो विच इज द सम ऑफ ओल्ड प्रीमियम, ये बेसिकली ओल्ड प्रीमियम प्लस एक्सपेक्टेड चेंज इन। लेट अस स्पीक अनदर एग्जांपल। 10:55 में मेरा मार्केट 8-88 में था, ऑप्शन स्ट्राइक मेरा 8-50, प्रीमियम मेरा चल रहा था 133 में, डेल्टा ऑप्शन अगेन मैंने 0.55 लिया। 3:15 में मार्केट अगर 8200 में आके रुकता है, 3:15 में मेरे को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, पहले वाला केस मैंने बोला था मार्केट बढ़ेगा, ये बियरिश है, ये बियरिश मोमेंटम, ये बेरिश है, तो आपका लॉस होगा सर, ठीक है? कितना लॉस हो सकता है अगर मार्केट गिरेगा और अगर आप कॉल बाई करते हो, ठीक है? तो आप कितना पैसा गवा सकते हो? वेरी सिंपल, 8200 से 8888 को पहले माइनस करो, है ना? तो आप कितने का पॉइंट का माइनस देख रहे हो? -88। जितना माइनस पॉइंट का आप सोच रहे हो, -88 से 0.55 को आप इंटू करो, 0.5 इज व्हाट इज द डेल्टा वैल्यू, तो 48.4। ये 48.40 से तुम्हारा प्रीमियम गिर जाएगा। तो 133 में चल रहा था, 48.40 से अगर गिरता है तो नया प्रीमियम चला जाएगा 84.6 में, और जितना पॉइंट में गिरा है प्रीमियम उतना आपका लॉस हो जाएगा। पर यूनिट लॉस। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है सर कि ये बेसिकली देखो, एट ए टाइम दो चीज तो नहीं हो सकता, एट ए टाइम कोई भी एक चीज हो, 8280 से 82 कितना था, 82 नहीं वो तो स्ट्राइक था, 8288 से मार्केट या तो 8315 तक या 310 तक जाएगा, या फिर मार्केट 8288 से 8200 के पास वापस आएगा, कुछ भी एक तो होगा। तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही रहता है तो तुमको फायदा कितने का था, 12.10 का। अगर तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो तुमको लॉस कितने का हो सकता है, 48 का, 48 का। सो अब डिसाइड कर लो आपका जो डायरेक्शनल इंस्टिंक्ट है, मतलब मार्केट के बढ़ना या गिरने के बारे में जो आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या सिखाता है, मार्केट डायरेक्शन के बारे में पता कराता है। तो अगर आपका मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन सही रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जाओगे, और काम करने से पहले एक लॉस का भी अंदाजा लेके चलो कि कितना लॉस में जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, डेल्टा ऑफ द ऑप्शंस मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है? आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपको बस यस सर, इतना समझ में आया ना कि डेल्टा से आपको इतना पता लग जाएगा, ठीक है? अभी भी और भी चीजें हैं, ये तो बस कहानी का स्टार्टिंग है, बट जितना बेसिक सीखे हो ना इससे भी आप मार्केट में प्रीमियम का अप एंड डाउन का कैलकुलेशन एज वेल एज प्रीमियम का मोमेंटम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी चर्चा मैं कल के क्लास में करूंगा आपके साथ कि प्रीमियम में डेल्टा और कैसे कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है? इवन ये तो बस आपको मैंने कॉल में बताया, अब पुट में बताना है, ठीक है? पुट में नेगेटिव दिखाता है डेल्टा, उसका क्या मतलब है, ठीक है? सो डोंट वरी, ठीक है? समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया घर पे एक बार रिवाइज करो, समझ में गारंटी आएगा। क्लास का अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए।
तो नेक्स्ट दिन मैं आपको बाकी डिस्कशन करता हूँ, ऐसे चलेगा भी, डेल्टा गामा सब चलेगा। अच्छा आशा करती हूँ सबाई के बोझते पारला, डेल्टा का बेसिक यूज और प्रीमियम का मोमेंटम का बेसिक रीजन कि बुझते पे रहे सबाई। हेलो अनिशा देवो नीलांजन प्रिंस ठीक है सर, ठीक है बाकी चर्चा ग्रीक में कंटिन्यू चलेगा अभी, हाँ ठीक है फिर ओके बाय सर। क्यों बाहर जाएंगे? ठीक है फिर ऑनलाइन कर लेना। ऑनलाइन ना भी कर पाओगे शायद।